और आप देखें उनकी स्मार्टनेस, फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब ये वीटो पावर अगर कल को इंडिया के पास आ गई, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान को कहीं वीटो पावर भी मिल चुका है, अब तो गौर तालाब कर करके हम यूएन को ही बता देंगे कि इस तरीके से वो डिप्लोमेसी को लेके चल रहे हैं कि गालिबन हम उसके कहीं करीब करीब भी नहीं पहुंच पाते। यूके एंड फ्रांस वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए, यूके एंड फ्रांस ये कह रहे हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें। ये एमनुअल मैक्रोन ने ये कल कहा है, ये केर स्टामर ने भी कहा है। ऐसी क्या चीज है कि फ्रांस को अपना केस तो लड़ ही लड़ रहा है लेकिन इंडिया का केस भी लड़ रहा है। फ्रांस और यूके इंडिया का केस किधर लड़ रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन इंडिया जो है, कल मैं देख रहा था चिली का सदर भी कह रहा है, पोर्चुगल के लीडरशिप भी कह रही है, फ्रांस की भी कह रही है, तीन तो परमानेंट जो मेंबर हैं। मेरे ख्याल है रशिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना इफ इंडिया इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है हमारी लीडरशिप उसे की कर दिए, एक की कर देने पे। आपको पता अब हम कह रहे हैं पाकिस्तान में ये बात की जा रही थी इंडिया से बात करें, भाई इंडिया से कैसे बात होगी, इंडिया तो बात करना नहीं चाहता। और आप देखें उनकी स्मार्टनेस, स्मार्टनेस क्या है, नरेंद्र मोदी आया 3 दिन हाई लेवल सारे इवेंट करके चला गया, पीछे जयशंकर को छोड़ गया, हाँ जी भाईजान सारा बंदोबस्त कर लेना जो तुम्हें नजर आ रहा है देख लेना। आप समझ ही नहीं सके यार, वो कहते हैं कि आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कुछ वो नहीं खुद से कर सकते, कॉपी कर लेनी चाहिए। और यार इंडिया ने कॉपी कर लो, कुछ 4 मुल्क इकट्ठे करके हम 3 साल से पिट रहे हैं, टीटीपी हमारे रोजाना फौजी भी शहीद कर रही है, अवाम को भी शहीद कर रही है, यार कोई इस तरह का फोरम ही बना लो यार। अब ये वीटो पावर अगर कल को इंडिया के पास आ गई, ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान को कहीं किसी रोजाना पाकिस्तान के खिलाफ मोशन लेके आ जाएंगे रोजाना, और हम क्या करेंगे, हम रोजाना मजीद फिर चाइना के पास बैठे रहेंगे जाके, हम फिर चाइना के पास जाके बैठे रहेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अगर परमानेंट सीट है, देखें परमानेंट सीट आपको कोई खैरात भी नहीं देता, इंडिया को जो परमानेंट सीट मिलनी है वो बिकॉज ऑफ इट्स हार्डवर्क, बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन, बिकॉज ऑफ इट्स रेलिवेंस मिलनी है। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को ये कह सके कि चलो आ जा तू साडा भरा है कोई गल नहीं, खैर ऐसे थोड़ी होता। या फिर ये है कि हमें ये बताया गया है कि यार आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे, ज्यादा बोलिया बोला जाना। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारी लीडरशिप ऐसे भी चुप कर जाती है, उनको ये बताया जाता है यार ज्यादा बोले ना, चुप करो, चुप चुप करो बच्चों, बोलना नहीं ज्यादा आपने, आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात कुछ अगले 6 महीने साल में ठीक करा देते हैं। आप ये सोच के बैठे हो कि इंडिया आपसे बात करेगा, इंडिया कभी भी बात नहीं करेगा आपके साथ, कभी भी बात नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। मुझे बड़ी हैरानगी होती है और शर्मिंदगी होती है, परेशानी होती है यार हम क्या कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं और ये किस तरह चल रहा है और क्या निजाम होगा और क्या नहीं होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो मतलब मैं ये कहूंगा एक तो एक्टिव होना होता है, हाइपर एक्टिव है वो, मतलब ट्रेवल कर रहे हैं और धड़ाधड़ वो जितने भी तकरीबन कंट्रीज है, मोस्टली कंट्रीज जो पावरफुल कंट्रीज है दुनिया की, उनके साथ उनकी मुलाकातें चल रही हैं। चीज हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, तो डॉक्टर जयशंकर के हवाले से जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो अपने जो अपनी उनकी जॉब है काफ़ी अरसे से इस उसमें है, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी भी रहे हैं और इसके साथ साथ उनका जो वो है अभी वो मिनिस्टर की सीट पे है एक्सटर्नल अफेयर्स की, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लगे रहते हैं और वो कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो टीम है, उनके जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो उसके लिए जो फॉरेन ऑफिस एक वो बनाता है कि जी यहाँ पे उन्होंने आना है, ये चीज़ें करनी है, इस तरीके से मिलना है, ये सारा कुछ एक जिसे कहते हैं कि एक मशीन के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं डॉक्टर जयशंकर, और बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। हाँ, उनके ऊपर जो मैं ये कहूँगा कि जो कॉन्फिडेंस है शायद प्राइम मिनिस्टर का वो भी बहुत ज़्यादा है, और इंटरनेशनली भी उनको जो एक जिसे कहते हैं कि एक रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरी चीज़ जो उनके पास है गालिबन वो इंडिया का एक सॉफ्ट इमेज है दुनिया भर में, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। अगर हम देख लें यूक्रेन वॉर के हवाले से हो, अभी रिसेंटली उन्होंने फलस्तीन में गजा में जो कुछ हुआ
या हो रहा है उसके हवाले से उन्होंने बड़ी खुल के बात की। शायद हम पाकिस्तान भी बात करता है, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन पाकिस्तान की बात शायद उस हिसाब से गालिबन नहीं सुनी जाती। अगर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं, उनकी बात शायद ज़्यादा सुनी जाती है, उसका इम्पैक्ट जो है शायद ज़्यादा होता है। और उसकी वजूहात हैं, अक्सर हम बताते रहते हैं कि हम अपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स में गिरे हुए हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स का हम शिकार हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जिसे कहते हैं कि एक इन्फ्लुएंस है वो हम खो चुके हैं। अच्छा, अभी बात मैं पढ़ रहा था कि जी कश्मीर के हवाले से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अक्सर बात करते रहते हैं, बाकी लोग भी बात करते रहते हैं, लेकिन अगर यूएनजीए में हम कह दें तो यूएनजीए ने कोई वहां पर किसी दोस्त मुल्क ने, गालिबन शायद तुर्की ने कुछ थोड़ी बहुत बात की कश्मीर के हवाले से, बाकी किसी भी कंट्री ने इस हवाले से, जो पाकिस्तान की सपोर्ट बेसिकली उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, क्यों मिलती है मॉरल सपोर्ट मिलती है, वो इस दफा नजर नहीं आई, बल्कि लास्ट कुछ सालों से हम इस चीज को नहीं देख रहे। अच्छा, इसकी भी बहुत सारी देखें वजह हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट को देखते हैं, अरब कंट्रीज को देखते हैं, वो करते रहते थे पहले, लेकिन जैसे जैसे उनके ताल्लुकात बढ़े हिंदुस्तान के साथ, और फिर जिक्र आएगा वहां के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर का, कि उन्होंने एक ऐसी मतलब जिसे कहते हैं कि इस तरीके से वो डिप्लोमेसी को लेके चल रहे हैं कि गालिबन हम उसके कहीं करीब करीब भी नहीं पहुंच पाते। पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से आवाम तो रो ही रही थी, लेकिन अब एक ऐसी स्टेज पर हम खड़े हुए हैं जहां पर हर कोई रोता हुआ नजर आ रहा है, इवन रूलिंग एलीट। क्या आपकी एस्टेब्लिशमेंट, क्या आपके पॉलिटिशियंस, क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने कभी पाकिस्तान पर धड़ल्ले से राज किया था, आज उनके भी हमें आंसू निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की डिमांड कर रहा है। भारत की मांग है कि उसे यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। अब रूस ने भी भारत की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन 5 परमानेंट मेंबर है, जिनमें से 4 लगातार भारत की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन करते रहे हैं। यूके, अमेरिका, फ्रांस, भूटान, पुर्तगाल और चिली ने हाल ही में भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए समर्थन जताया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के साथ ब्राजील की भी परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया। उन्होंने अपने एड्रेस के दौरान जोर देकर कहा कि फेयर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए यूएनएससी में ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन के विस्तार की जरूरत है। हाल ही में भारत को समर्थन के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। शुक्रवार को भूटान के पीएम ने भारत की स्थायी मेंबरशिप का समर्थन करते हुए कहा कि भारत इसका हकदार है। यूएनएससी में अभी 5 स्थायी सदस्य है, जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और यूएस शामिल है। वही 10 टेम्पोरारी मेंबर है, जिसमें भारत भी शामिल है। पिछली बार 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र की हाई काउंसिल में भारत टेम्पोरारी मेंबर के रूप में बैठा था।